गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ कौन सा डे है आज? हाँ, 16th of March। कल भी व्लॉग नहीं बनाया था, आज व्लॉग बन रहा है क्योंकि आज बहुत सारा कुछ पढ़ना है। और सुबह उठे थे 7 बजे और 7 बजे लेके अभी तक एक वीडियो का रिवीजन हो चुका है। और अभी टाइमिंग हो रहा है, मेरा घड़ी भी नहीं चल रहा है, 11 बज रहा है, तो भूख भी लग रही है। कुछ खाना पीना खा लेते हैं, 12 बजे से फिर से बैठेंगे और 12 बजे से लाइव आऊँगा, 12 से लेके 2-3 बजे तक, देखते जब तक खींच सकते हैं खींचेंगे। आज बहुत लाइक फ्रेश फील हो रहा है सुबह से उठ के, एक वीडियोस भी हो चुका है और ऊपर से अभी खाना खा के दोबारा वीडियो शुरू करूँगा, मज़ा ही आ गया। से लेकर अभी पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई चलने के बाद अभी 3:25 टाइम हो रही है। मैं थोड़ा सा बाहर निकल के आया हूँ, मेरे को रूम में रहने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं और ऋत्विक जा रहा हूँ थोड़ा सा बाहर घूमने, देखते हूँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, घूम के बाहर से आ जाएंगे। पहले हम लोग उस साइड चले गए थे और दोबारा हमें इस साइड आना पड़ा। और अभी यहाँ पे बहुत सारे रिबॉक एडिडास इनके शोरूम्स है, सोच रहा हूँ जाऊँ या ना जाऊँ, पॉकेट में एक ढेला पैसा नहीं है, मगर वही है ना। वेदर अपडेट, बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब हवा चल रही है, ठंड तो क्या ही बोलूँ, हवा चल रही है और वो हवा लिटरली चुप रहा है इसलिए ठंड लग रही है। बाकी 4:05 बाकी है, हमें 3:30 को निकले थे और बातें करते करते इधर ही आ गए। अभी आगे से एक शॉप में जाएंगे, दोस्त का सामान वो देखना है। बिल्डिंग के नीचे शॉप्स है, शॉप्स कितने क्लीन है और ऊपर का बिल्डिंग एकदम भंगार, और अंदर जाके देखो तो बिल्कुल रेनोवेट रहता है मगर बाहर से पूरा भंगार भंगार दिखता है। ये पेड़ को रात को जलाएंगे तब ये लाइट दिखेगी, इसमें पेड़ पे कितने सारे लाइट्स है। दोपहर को अपने ऋत्विक ने कुछ नहीं खाया था तो अभी एक छोटा सा रेस्टोरेंट में आए, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है और पहली बार कुछ नया ट्राई करेंगे, लाइक चिकन का कुछ चीज़ ट्राई करेंगे अभी, बारबेक्यू चिकन, देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। वो ब्रेड के साथ चिकन बारबेक्यू बढ़िया था, अच्छा खासा प्रोटीन मिल चुका है। अगर यहाँ से क्रॉस कर लेना चाहिए राइट साइड, अभी ये गाड़ी को जाने दो उसके बाद, हाँ इस गाड़ी को निकलने दो उसके बाद ही चलते हैं। चलो क्रॉस कर लेते हैं। और ये देखो कितना पुराना है ये जो गाड़ी, जिप्सी जिप, बहुत ही पुराना है भाई। जिप्सी तो इंडिया में चलती है, यहाँ कहाँ चलती है जिप्सी? ये उस टाइम की है ना, जहाँ पुराने ज़माने में जहाँ लड़ाई वड़ाई होती थी World War II के टाइम के। ऋतिक लेके आया था 10,000 का एक जूता है और ये जूता है 499, मतलब ये 15,000 का जूता है, 5,000 का डिफरेंस ये नाइकी के शोरूम में। भाई साहब, भाई हम लोग गए थे नाइकी के शोरूम में, जो जूता पसंद आया वो प्राइस हमें पसंद नहीं आया, बहुत बेकार प्राइस है, 30,000-40,000 का कौन जूता पहनता है। हम लोग पहुँचे मेडिकल यूनिवर्सिटी पे, देखो मेडिकल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे जैसे लगता है जेल का दरवाज़ा लगता है इटली निकलते टाइम पे। अभी हम लोग शायद स्टेशन कर जाएंगे, थोड़ा सा बाहर घूमेंगे फिर चले जाएंगे रूम में, मगर अरुबा को देखते हैं आज कुछ और प्लान होगा तो बाहर ही खा लेंगे आज। आज अभी भी बाहर ही खा लिया, इसके बाद भी बाहर ही खाना पड़ेगा। तो स्टेशन स्क्वायर पे हमने एक ग्राइंडर ब्लेंडर ले लिया है, मिक्सी बोल सकते हो, मिक्सी ले लिया है और कुछ टिश्यूज़ लिया है। ये 5 लोगों में इतने सारे टिश्यू मिला है, जबकि हम लोग जब फ्रेशको से लेके आते हैं उसमें बहुत बेकार क्वालिटी के टिश्यू मिलती है, उस टिश्यू का क्वालिटी और इस टिश्यू का क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। बाकी अभी जाना है रूम, फिर अरुबा का कुछ देर में सहरी इफ्तार होने वाला है, इफ्तार खोलने वाला है, वो खा के फिर थोड़ा सा बाहर टहलेंगे आज फिर से थोड़ी देर में। आ गया मैं अपने मेडिकल यूनिवर्सिटी पे और मैं अपना सामान लेने गया था, कुछ काम नहीं तो सामान ही ले आया, वैसे 6:30 अभी टाइम हो रहा है और आधे घंटे 1.5 घंटे में अरुबा का इफ्तार का टाइम भी हो जाएगा।